अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वर्कशॉप के शेड्यूल के अंदर एक तब्दीली की है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी हवाले से गाइड करूंगा। तो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो बगैर आपको टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल अनाउंस किया था, उस शेड्यूल के मुताबिक वर्कशॉप जो थी वो 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी यानी कि आज के दिन तक वर्कशॉप होनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसमें एक और एक्सटेंशन कर दिया कल के दिन की। जिन स्टूडेंट्स की भी वर्कशॉप में ये शेड्यूल था कि उन्होंने वर्कशॉप 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक वर्कशॉप अटेंड करनी थी, अभी उनको एक दिन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यानी कि कल वाला दिन, संडे वाला दिन उनको लगाना पड़ेगा और कल उन्होंने वर्कशॉप जो है उसको भी अटेंड करना है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका वर्कशॉप शेड्यूल 5th बैच के अंदर आता था, यानी कि जिनकी वर्कशॉप 24 स्टार्ट होनी थी और 29 को ख़त्म होनी थी, उन्होंने अब 30 वाली वर्कशॉप यानी कि संडे वाली वर्कशॉप जो है उसको भी अटेंड करना है, और ये वर्कशॉप उन्होंने लाजमी तौर पर अटेंड करनी है। तो मैंने सोचा आपको बर वक्त इसके हवाले से आगाह कर दूँ। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ये समझे कि 6 दिन वर्कशॉप होती तो ये 7वां दिन नहीं होगा, तो आपने ये बिल्कुल लाजमी तौर पर अटेंड करनी। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मैसेज मिला है तो ये हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा बर वक्त इसके हवाले से आपको इतला दे दूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर दफा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।